हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्या आपको 2024 में आईफोन 12 लेना चाहिए। आपको पता होगा आईफोन 12 4 साल पुराना आईफोन है और इसका प्रोसेसर A14 बायोनिक चिप का है। क्या आपको आईफोन 12 लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 12 की डिजाइन आईफोन 16 के जैसी होगी, तो आपको डिजाइन के बेस पर आईफोन 12 लेना चाहिए या फिर नहीं। आपको पता होगा एप्पल अपने हर आईफोन में 5 साल के अपडेट देता है। अगर आप 1 से 1.5 साल के लिए आईफोन यूज करना है तो आप आईफोन 12 की तरफ जा सकते हैं। और आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, आप 30,000 से ऊपर रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, आपको आईफोन 12 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपको आईफोन 12 की परफॉर्मेंस वैसे देखने को नहीं मिलेगी जो आपको आईफोन 13, 14, 15 में रहेगी, क्योंकि आईफोन 12 का प्रोसेसर A14 का है। इस वजह से आपको परफॉर्मेंस में थी में आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप आईफोन 12 को 1 साल ही यूज कर सकते हैं, आपको 5 साल के बाद एप्पल अपडेट नहीं देता है, तो आप उसे आईफोन को आराम से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं आईफोन 13 की। क्या आपको आईफोन 13 लेना चाहिए 2024 में? आईफोन 13 की सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। ये आपको आईफोन 35,000 से 38,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अगर आप कार्ड आर डिस्काउंट लगा लेते हैं, आपको ये फोन 35,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अब इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें प्रोसेसर A15 का देखने को मिलता है, जो की सिमिलर आईफोन 14 में है। आपको पता होगा आईफोन 13 3 साल पुराना एक आईफोन है, तो क्या आपके लिए 3 साल पुराना आईफोन लेना सही रहेगा? आपके लिए आईफोन 13 लेना सही रहेगा। अगर आप तो बजट 35,000 के आसपास है तो आप आईफोन 13 लेना चाहिए। आप आईफोन 13 लेंगे, उसे आप 2.5 साल 3 साल भी आराम से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप 3 ही साल उसे यूज कर पाएंगे, आप उसे आगे भी यूज कर पाएंगे, लेकिन आपको उसमें अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन टाइम टाइम पर आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। अब वीडियो की मेन बातें आती है, आपको आईफोन 12 लेना है या फिर आईफोन 13। आपको ये नहीं सोचना आईफोन 12 की डिजाइन एकदम आईफोन 16 की जैसी है तो आपको आईफोन 12 लेना चाहिए, ये आपके लिए रॉन्ग डिसीजन होगा। आपको अपने हिसाब से सोच समझ के आईफोन लेना है। मेरे हिसाब से आपको आईफोन 12 रिसीव करना चाहिए, आपको डिजाइन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, आपको आईफोन 13 की तरफ जाना चाहिए, ये आपके लिए परफेक्ट आईफोन रहेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।